बिल्कुल, अगर हमारी सरकार नहीं बने तो पास वाले हजाम को बुला के मूछ मुड़वा लेंगे। श्री दिलीप सिंह जूदेव, जिनकी ईमानदारी के ऊपर कोई भी व्यक्ति उंगली तक नहीं उठा सकता, ऐसे श्री दिलीप सिंह जूदेव के खिलाफ भी एक गहरी साजिश रची गई। सवाल यह है कि धर्मांतरण जो होता है उसको रोकने के लिए फौज चाहिए, फौज को चलने के लिए रसद चाहिए। बिल सपोज कोई लाके हमको अगर मदद देगा और ऐसे ही कुछ हो जाए और उसको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, तब तो फिर सोचना तो पड़ेगा ही ना। जब चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह लड़ाई करते थे तो महात्मा गांधी जी के पास तो बिड़ला जी के चले जाते थे, ये कहां से लाते थे, ये भी सोचिए।